आज मैं प्याज बरिस्ता का डोसा बनाती हूँ। नॉर्मल प्लेन डोसे से ये बहुत टेस्टी होती है, स्टफ करके बनाओ तो और भी टेस्टी होती है। वेलकम टू माय चैनल फन विद कुकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं 3:1 रेशियो में चावल और उड़द दाल का बैटर बना के रखी हूँ। एक बड़े प्याज का बरिस्ता बना के रखी हूँ। बरिस्ता मतलब सिर्फ ऑयल में इसे फ्राई करना है। इसको आप डायरेक्ट डाल के भी बना सकते हो, पर मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। चना और आलू को मैं बॉयल करके रखा। एक प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया। इनका स्टफिंग बनाऊंगी। तो पहले प्याज को पीस लेती हूँ। तो बरिस्ता का जो पेस्ट बनाया मैंने इसको डोसे के बैटर में डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी ऐड करना है कंसिस्टेंसी को प्रॉपर बनाने के लिए। बरिस्ते का डोसा नॉर्मल प्लेन डोसा की तरह उतना पतला नहीं होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, क्योंकि अगर अंदर कुछ स्टफिंग आप मिलाओगे तो डोसा उतना पतला स्प्रेड करना पॉसिबल नहीं होती है, पर टेस्टी बहुत होती है ये। तो स्टफिंग बना लेती हूँ मैं। पहले स्टफिंग बनाने के लिए मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया। एक चम्मच तेल डालती हूँ, एक चम्मच जीरा, थोड़ा सा सरसों का दाना, थोड़ी सी हींग, हल्दी थोड़ा सा, और थोड़ी सी करी पत्ता। कटी हुई प्याज को भी डाल दिया। सबको फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाला। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिएगा। आलू और चना को भी डाल दिया। मिक्स कर लेती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ। पैन में इसे थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। स्टफिंग में मैंने आलू चना डाला। आप इसमें हरे मटर डाल सकते हो, कोकोनट डाल सकते हो, पनीर डाल सकते हो, मशरूम डाल सकते हो, वो आपकी टोटली आपकी पसंद के ऊपर है। तो गैस बंद कर देती हूँ और स्टफिंग को ठंडा होने देती हूँ। तवा गर्म हो गया और एक चम्मच बैटर डालती हूँ और स्प्रेड कर देती हूँ। साइड से थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। एक साइड हो गया है, इसे टर्न कर देती हूँ और एक बार टर्न करती हूँ। थोड़ा सा स्टफिंग डालती हूँ बीच में और इसे रोल कर लेती हूँ। बच्चों का टिफिन में भी आप दे सकते हो इसे। दूसरे वाला डालने से पहले फिर से एक बार गीले कपड़े से तवा को पोंछ लिया, बैटर डाल दिया, स्प्रेड कर लेती हूँ। साइड से थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। दूसरे डोसा का भी एक साइड हो गया, टर्न कर देती हूँ। दूसरे वाला डोसा में कोई स्टफिंग नहीं डाल रही हूँ, इसे प्लेन ही रख रही हूँ। और बाकी डोसा भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। मेरे बरिस्ता डोसा बनके तैयार है। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।